हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आपको पता है आज क्या है? आज हमारा सैटरडे एक्टिविटी का टर्न है, तो 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी के लिए हम स्पेशल एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए सैलेड डेकोरेशन करेंगे हम। सैलेड होती है वेजिटेबल सैलेड, फ्रूट सैलेड, आपने बहुत सी सैलेड खाई भी है, घर में मम्मी भी बनाती है। तो हम आज क्या करेंगे, सैलेड बनाएंगे इसमें तिरंगा कलर में। तीन रंग के जो कलर है हमारे तिरंगा के, नेशनल फ्लैग के जो कलर है हमारे, उनमें हम क्या बनाएंगे, सैलेड बनाएंगे। आप कोई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। आप ऑरेंज कलर के लिए देखिए क्या क्या ले सकते हैं, कैरेट, गाजर ले सकते हैं ऑरेंज कलर के लिए। अभी बहुत इजी मैं बता रही हूँ, जो सबके घरों में अवेलेबल हो सकते हैं। ग्रीन कलर के लिए आप क्या ले सकते हैं, जी हाँ मटर, बिल्कुल मटर ले सकते हैं, ग्रीन मटर, और खीरा ले सकते हैं, और आप पालक भी ले सकते हैं ग्रीन कलर के लिए। व्हाइट कलर के लिए आप मूली ले सकते हैं, और खीरा जो अंदर से है वो व्हाइट कलर का होता है, उसको छीलने के बाद व्हाइट हो जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। प्याज भी ले सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी हमारे पास वैरायटीज है जिनसे हम सैलेड डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी सैलेड डेकोरेशन करना सिखाती हूँ, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से टमेटो, प्याज यानी कि ऑनियन और ग्रीन चिल्ली से हमने सैलेड बनाई है। आप अपने घर में जो भी अवेलेबल हो उससे सैलेड बनाएंगे। सैलेड डेकोरेशन करने का आपका अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन तिरंगे कलर में ही आपको बनाना है, नेशनल फ्लैग कलर में ही आपको बनाना है। और बनाने के बाद आप जैसे ही डेकोरेशन करते हैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में, आपको उस सैलेड के साथ अपनी एक अच्छी सी पिक मेरे को सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पिक आप मंडे तक मुझे सेंड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।